हेलो गाइस, मैं हूं मोनू। और गाइस, आप लोगों ने देखा था जैसे खोलते हुए तेल में मैंने डाला था कॉलगेट और कमाल का रिएक्शन आया था। लेकिन आज हम करेंगे बहुत ही अलग। आज हम खोलते हुए तेल में डालेंगे 5 अलग अलग तरह के साबुन और लास्ट में हम डालेंगे वॉशिंग पाउडर और देखेंगे आखिर क्या होता है। तो गाइस चलिए फटाक से आपको दिखाते हैं कौन कौन सा साबुन हमारे पास में है। तो गाइस ये है हमारे पास में, ये पियर्स और सिंथोल, लाइफ बॉय, लक्स और डिटॉल। ये 5 अलग अलग तरह का साबुन है हमारे पास में। और ये है सर्फ एक्सल वॉशिंग पाउडर, ये हम लास्ट में डालेंगे। पहले हम डालेंगे ये साबुन, ये 5ों साबुन को हम डालेंगे। लेकिन गाइस उसके लिए मैं बता दूं, पहले हमें भट्टी को चलाना पड़ेगा, उसके बाद हम ये बड़े से कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो चलिए पहले फटाक से भट्टी को जला लेते हैं। गाइस भट्टी जो है वो जल चुका है, अब इस पे रख लेते हैं ये बड़ा सा कढ़ाई। और अब इसको गर्म होने देते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें तेल डाल लेते हैं। और ये चला गया इसमें हमारा रिफाइंड ऑयल। गाइस अब हम वेट करते हैं इस तेल को गर्म होने का, उसके बाद हम डालेंगे ये एक एक करके साबुन। गाइस तेल जो है ये हमारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालने वाला हूँ ये, पहले हम डालेंगे सिंथोल साबुन। पहले इसे निकाल लेते हैं, इसे ऐसे नहीं डालेंगे, पहले इसमें रख करके अब ये छोड़ देंगे। मैं इसका आंच जो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ स्टोव का। गाइस ये किस तरह से पक रहा है देख सकते हैं आप, ये फ्राई हो रहा है बिल्कुल पकौड़े की तरह। इससे पहले मैं इसमें एक और डाल देता हूँ, ये लाइफ बॉय, इसे भी डाल देते हैं। और ये भी चला गया है। एक एक करके हम सारा डाल लेते हैं। अब डाल लेते हैं ये डिटॉल साबुन को, इसमें छोड़ देता हूँ। अभी हमारे पास में लक्स, ये भी चला गया। फाइनली गाइस ये है लास्ट हमारा पियर साबुन, अब इसे भी डाल देते हैं। ये भी चला गया। गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से ये बॉयल हो रहा है और पूरा तेल में है जो वो किस तरह से झाग बन करके गिरने वाला है नीचे। साबुन जो है वो पूरी तरह से गल रहा है, सिंथोल तो अभी बचा हुआ है और पूरा धुआं धुआं हो गया। गाइस मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूं, इसमें सारा साबुन जो है इसमें बचा हुआ है, लेकिन जो पियर्स मैंने लास्ट में डाला वो मुझे लगता है पूरी तरह से गल के खत्म हो गया, क्योंकि वो दिख भी नहीं रहा। हाँ वो खत्म हो गया पूरी तरह से गल के, और सारा पूरे एरिया में जो है वो पूरा स्मेल साबुन साबुन सा हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जहाज बन गया है पूरा। स्टोव का आंच जो है मैं और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। क्या हाल हो गया गाइस ऑयल का, पूरा ये काला हो गया है। 4 साबुन जो है वो इतने अभी तक बचा हुआ है वो नहीं गला, लेकिन जो मैंने लास्ट में डाला था ये वाला, ये साबुन ये पूरी तरह से गल के खत्म हो गया। ये मुझे लगता है डालने से 10 से 15 सेकंड में सारा का सारा गल के खत्म हो गया।
देखते हैं सबको कल आते हैं कितना टाइम लगता है, देखते हैं, देख सकते हैं आप। ये मुझे लगता है ये था डिटॉल, ये डिटॉल था गाइस, पूरा धुआं धुआं हो रहा है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है। और ये है लक, ये है सिंथॉल, इसे गलने में टाइम लगेगा अभी, लेकिन देखते हैं कब तक ये गलता है। तो इसे छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट तक इसी तरह से पकने देते हैं और देखते हैं क्या ये साबुन भी जो अभी हमारा चार बचा हुआ है ये गल के खत्म होता है या नहीं। स्टॉप आज जो है पूरी तरह से बड़ा हुआ है, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये लक्स जो था वो बिल्कुल छोटा इतना सा हो गया है, जिस तरह के 10 वाला पैकेट आता है लक्स का, वो इतना सा होकर 10 वाला पैकेट बन चुका है। और बाकी साबुन भी मुझे लगता है कि गल के खत्म हो गया। उससे पहले गाइस स्टॉप का आंच जो है वो थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि मेरा हाथ बिल्कुल जल रहा है और मैं इसे टच भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा साबुन बचा हुआ है। ये है लाइफ बॉय, और ये है लक्स और डेटॉल, ये सब भी अब खत्म ही होने वाला है। देख सकते हैं आप डेटॉल का क्या हाल हो चुका है गल करके। लेकिन गाइस ये सबको गलने में तो थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन जो ये साबुन था पियर्स, ये तो डालते ही 10 से 15 सेकंड में पूरी तरह से गल के खत्म हो गया, और सारा ऑयल का कलर जो है वो चेंज हो गया। देख सकते हैं आप पूरे में ये साबुन साबुन सा स्मेल हो गया है एकदम। ये देखिए, ये दिखाओ सामने से दिखाओ, ये किस तरह से हो गया। ये है सिंथॉल, लाइफ बॉय और ये डिटॉल, ये भी अब खत्म ही हो चुका है। और ऑयल का कलर जो है ये पूरी तरह से काला हो गया है, पूरी तरह से काला हो करके मतलब खत्म, देख सकते हैं ये खत्म हो चला। सिंथॉल जो है वो भी पूरी तरह से खत्म होने वाला है, डेटॉल भी खत्म ही होने वाला है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में है। सारा साबुन जो था गाइस ये खत्म हो गया। गाइस अब स्टोव को है जो वो बंद कर लेते हैं, क्योंकि ऑयल जो है पूरी तरह से हीट हो चुका है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा साबुन बचा है। ये है आई थिंक डिटॉल, देख सकते हैं आप ये खत्म हो चला पूरी तरह से, और कुछ भी नहीं बचा इसमें, तो सारा साबुन जो था वो गल करके पूरी तरह से खत्म हो गया, सारा का सारा खत्म हो गया। आप देख सकते हैं ये ऑयल में कुछ भी नहीं है, बस ऑयल बचा है, और इसका कलर भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि ये साबुन जो था हमारा वो पूरी तरह से गल के खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, फटाक से फिर से स्टोव को जला लेंगे और ये वॉशिंग पाउडर को डालेंगे और देखेंगे अब क्या होता है। चलिए फटाक से फिर से स्टोव को हम जला लेते हैं। स्टोव जो है वो जल चुका है, अब हम फटाक से इस वॉशिंग पाउडर को इस बॉल में निकाल लेते हैं। ऑयल जो है हमारा ठंडा हो चुका था, इसे इसलिए फिर से गर्म कर लेते हैं और फिर डालेंगे ये वॉशिंग पाउडर इसमें।
तो गाइस ऑयल जो है वो फिर से गर्म हो चुका है, अब इसे डाल देते हैं इसमें और देखते हैं क्या होता है। और ये चला गया, इसे थोड़ा मिला देते हैं ताकि देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। देख सकते हैं आप ये किस तरह से पक रहा है, जो वार्षिक पॉड होता है किस तरह से ये पूरी झाज बन करके ऊपर आ गया। मुझे लग रहा है ये गढ़ाई से बाहर गिरने लगेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं इसे थोड़ा मिला देता हूँ गाइस ताकि ये पूरी अच्छी तरह से पक पाए। तो फाइनली गाइस ये था रिजल्ट वॉशिंग पाउडर को खोलते हुए और पकाने से, और साबुन से क्या हुआ पकाने से वो आप लोगों ने देखा ही। मैं बता दूं लेकिन आप लोग अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे मजेदार वीडियो आपको देखने को मिलते रहे, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस 2 घंटे तक मैंने इसे छोड़ दिया था जो मैंने साबुन पकाया था। अब देख सकते हैं ये किस तरह से पूरी तरह से जम गया है, ये देखिए किस तरह से ये जम करके हो गया ग्रीस के तरह, ये देखिए।